वेल्डिंग को करने से पहले क्या क्या ध्यान देना पड़ता है इसमें? वेल्डिंग करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो अभी मैं हाथ दिखाया हूँ, जैसे ये क्या चीज़ था, तुम क्या मुझे बताए थे, वो चीज़ मैं समझ नहीं पाया था। पाइप का पता नहीं, वो होल सेंटर में देखना था ना, जिसे पाइप का ये जॉइंट रहता है और होल से होल सेंटर करके उसको मार्किंग करके लगा के जॉइंट कर दो, एकदम सीधा सीधा होल दोनों का आ जाएगा सेंटर। हाँ तभी आया भी नहीं, तो अगर ये होल और ऊपर वाला होल फ्लेंज के दोनों होल अगर साथ साथ ना हो तो फिर यही गड़बड़ होता है ना, यही प्रॉब्लम आ जाता है। ये आया भी था अदर साइडों पे से, इसके ऊपर ये एल्बो आ गया अपना और बीच का, फिर ये जो कटिंग पीस है ये मेन है, इसमें भी प्रॉब्लम हुआ था तो कटिंग पीस में मेजरमेंट किया था, बीच में कटिंग पीस डाला, कटिंग पीस देखा यार लगभग जैसे मतलब एक फुट रहना चाहिए ना, 15 इंच हो रहा था, 3 इंच मतलब एक्स्ट्रा पड़ रहा था, ये जो है कटिंग पीस 3 इंच गैप आ रहा था, छोटा। मैंने क्या किया, हाँ छोटा हो रहा था, समर सेबल जो अपना बोर है ना, बोर को ही आगे करवा दिया थोड़ा सा, देखो बोर को ही आगे बढ़वा दिया, इससे क्या हुआ कि अपना जो वो बीच का स्पेस जो था एडजस्ट हो गया। अब वेल्ड करके ला के और लगाएंगे अब उसको हम, देखो अभी फिर मेजरमेंट में करता हूँ, अभी देखो आगे आगे कर दिया उसको, यहाँ पे इतना बच रहा है जैसे आगे फ्लेंज, हाँ तो थोड़ा सा आगे पीछे ये हो जाएगा, प्रॉपर रहना चाहिए, अब वो बैठ जाएगा ना उसका कैप, मतलब ध्यान देना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब ये चीज़ इनमें क्या लगेगा, इन जैसे ये फ्लो मीटर के आगे ये जो टुकड़ा लगा हुआ है, देखो ये आ गया, देखो फ्लेंज लगाया, बिल्डिंग अच्छा किया था उसमें, अब देखो अब तो हमें मालूम चल गया था इसको आगे पीछे करना है, अब आगे पीछे करके बस लगा लेते थे आराम से, सेट हो गया। अब ये है कि बस अभी का सभी मिट्टी भी भराई करना है, पर पहले देख लूँगा मैं कहीं लीकेज ना हो, पूरा नट बोल्ट हर चीज़ पूरा अच्छे से देखने के बाद, अरे जब तक बेल्डिंग नहीं हो गई तब तक इसका फिर ये पैक कराऊंगा, पैक अभी पैक करने से पहले भी मैं सोच रहा हूँ।